जी नमस्कार। आते हैं हम लोग आपको भौतिकी के बहुत से मिश्र धातुओं की चर्चा करने और साथ ही ये बताएंगे हम कि आज के समय में जो ट्रिकी जीके जीएस के सिद्धांत बाजार में आया है उसका कितना लाभ मिल रहा है छात्रों को, क्योंकि सभी चाहते हैं कि कम से कम अध्ययन करें और जल्दी से जल्दी सफलता मिले, जो होता नहीं है। कम से कम पढ़े और जल्दी से जल्दी सफलता मिले, जो होता नहीं है। और जो भी इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं आज के लोग, वो बस आपको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठग रहे हैं। चलिए मैं भी आता हूं उसी कड़ी में थोड़ा सा आपको ठगने के लिए, यानी बताने के लिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आप सब जहां भी है रेगुलर क्लास करें, ये सब जादुई क्लास के चक्कर में न पड़े। आते हैं थोड़ा सा हम भी उसी जादुई क्लास के अंतर्गत, देखेंगे हम लोगों की टॉपिक है मिश्र धातु। ये हमेशा ही परीक्षा में आता है कि मिश्र धातु निम्न में से एक किसी धातु का नाम दे देगा, जैसे गन मेटल दे देगा, जर्मन सिल्वर दे देगा, या फिर आपको कांसा दे देगा, या फिर पीतल दे देगा, और क्वेश्चन पूछेगा कि पीतल में कौन से तत्व मिलाकर बनता है, या पीतल में कौन से धातु डालकर बनाया जाता है, या गन मेटल में कौन सा धातु नहीं रहता। चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो नहीं है एक छांटिए उसको। तो ट्रिक पर ये काम नहीं करता, इसको समझना पड़ता है, रटना पड़ता है। हालांकि मैं ट्रिक भी आपको दिखा रहा हूं, जो बोर्ड पर सामने लिखा हुआ है देखिए, और ट्रिक कैसे भैरी कर जाता है, मिल जाता है, ये भी देखिए आप कैसे आप रटेंगे। जैसे मिश्र धातु में है आपका सोल्डर, तो सोल्डर के लिए जनरली जो प्रयोग किया जाता है ट्रिक, उसको लोग कहता है सीटी, यानी सीटी माने सी से सीसा, अट्टी से टी, सी से सीसा, अट्टी से टी। लेकिन अगर मान लीजिए सीटी आप रट गए और यही क्वेश्चन यदि बदल दे और कहे कि सोल्डर धातु में जो टीन होता है वह कितना प्रतिशत होता है, क्या जवाब देंगे आप? तो इस तरीके से आपको यह डिटेल जानना पड़ेगा कि 32% टीन होता है। और मान लीजिए टीन के जगह अगर एसएन लिख दिया तो क्या करेंगे आप, क्योंकि टीन का सूत्र होता है, संकेत होता है एसएन। अगर एसएन आप नहीं जानते हैं तो ट्रिक से कब तक काम चलाएंगे आप? इसलिए थोड़ा बहुत ट्रिक काम करता है। जैसे किसी यज्ञ में हम खाना खा रहे हैं और भरपेट खाना खा लिए और लास्ट में जो स्वीट भोजन वगैरह दिए जाते हैं और वगैरह, और फिर आपको ये किया जाता है देहात में दही चूड़ा वगैरह या फिर दही दे दिया जाता है, वैसा ही जो है आपको ये सब है ट्रिक। आगे देखेंगे आप, जैसे कांसा, तो कांसा का है ताटी, कांसा का सूत्र है ताटी, और ता से तांबा और टी से टी। लेकिन ये भी नहीं पता चल रहा है यहां पर कि कितना तांबा, 89% और 11% आपका टी। लेकिन ट्रिक अगर पढ़ते हैं तो आपको क्या काम करेगा, ये कोई काम नहीं करेगा। आगे देखेंगे ताटी ट्रिक ही आपको यहां भी है। देखिए ताटी यानी घंटा धातु के लिए ताटी, क्योंकि यहां भी आपको देखिए तांबा 80% और टीन जो है 20%, तो तांबा के लिए ता और टीन के लिए टी, ताटी। तो ताटी ताटी में यदि आप कांसा के हैं कि घंटा धातु के हैं, आपको क्या याद रहेगा उस समय में? इसलिए ट्रिक सब खोज रहे हैं। आज के बच्चे चाह रहे हैं कि क्या ट्रिकी जीके जीएस है, क्या जादुई है, क्या रसगुल्ले हैं। लेकिन सफलता में उनको बहुत दिक्कतें आ रही है और वो सफल नहीं हो रहे हैं बच्चे एकदम से। आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जरूर रटिए, सोल्डर में सीसा 68% और टीन 32% एसएन होता है। सीसा का आपका लेड होता है जिसको हम लोग पीबी से लिखते हैं। कांसा में है आपका तांबा
99% तांबा का कॉपर होता है सीयू और टीन का एसएन होता है। ठीक इसी ढंग से जर्मन सिल्वर में आपका वही कॉपर है 51%, निकिल जो है आपका 14% और जिंक का जेडन हम लोग लिखते हैं, निकिल का आपको एनआई लिखते हैं। ठीक इसी ढंग से पीतल के लिए आपका जो धातु है ये है तांबा, यानी कि 70% कॉपर इसके लिए लिखते हैं, जिंक के लिए जेडन लिखते हैं 30%। अगर आपको घंटा धातु है तो 80% कॉपर होना चाहिए और टीन होना चाहिए 20%। अगर आपको गन मेटल है तो यहाँ पर 88% कॉपर होगा, टीन होगा 10% और 2% आपका जिंक होगा। तो जो ये आंकड़े लिखे गए हैं, इस आंकड़े को ज्यादा छेड़छाड़ न करें, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यही आंकड़े आते हैं हमेशा। एक बार पूछ देता है कि आपको शोल्डर धातु में सीसा कितना रहता है तो 68%, कई बार पूछ देता है शोल्डर धातु में टीन कितना रहता है तो 32%, अगर आपको कांसा पूछे तो 89%, लेकिन वही अगर हड़प्पा सभ्यता में कांसा में कितना कॉपर था तो यहाँ इसका उत्तर हो जाता है 90%, क्योंकि टीन जो है उस समय अवेलेबल नहीं था और विदेशों से आता था इसलिए उसमें टीन की मात्रा कम थी हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन अभी अगर हम कांसा बनाते हैं तो उसमें आपको टीन प्रॉपर 11% देते हैं। ठीक इसी ढंग से जर्मन सिल्वर है तो 51%, निकेल जो है आपका 14%, जिंक जो है आपका 35%। ठीक इसी ढंग से पीतल है तो 70% आपका कॉपर है, जिंक है 30%। घंटा धातु जो मंदिर में घंटी वगैरह बजता है टुन लंबा समय तक आवाज देता है उसमें आपका कॉपर 80%, टीन जो है 20%, और गन मेटल में आपको 88% कॉपर है, 10% टीन है और 2% आपका जिंक है। तो इसे बार बार यदि आप अभ्यास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। दो बार चार बार पांच बार जरूर पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल जादुई तरीके में अपने अंक को खो दीजिए और सफलता से पीछे रह जाइए। ठीक है, अगला चीज हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप प्रतीक्षा करें। जय हिंद।